मेरे साथ तस्वीर में जो लड़की नजर आ रही है इसका नाम है प्रीति मौर्य। 22 साल की प्रीति उत्तराखंड के रुद्रपुर की रहने वाली है और अब सोशल मीडिया की दुनिया में जाना माना नाम बन चुकी है। आज लाखों की तादाद में इनके फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रीति को कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, कितनी चोटें खानी पड़ी। सोशल मीडिया पर खुद को खतरे में डालकर वो लोगों को हंसाती रहीं और एंटरटेन करती रहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूँ मुक्ता सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक लड़की के ऐसे संघर्ष के बारे में जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान परेशान हो उठेंगे और सोचेंगे कि कैसे एक काम वाली इतने बड़े ख्वाब देख सकती है और उन्हें पूरा भी कर सकती है। प्रीति मौर्य आज अपनी रील्स के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बड़ा नाम बन चुकी हैं और अब इसी वजह से मुसीबत में भी आ गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला रील्स बनाने से कोई कैसे मुसीबत में आ सकता है, तो सुनिए आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कोई सड़कों पर नाच रहा है, तो कोई कार बाइक से स्टंट कर रहा है, कोई महिलाओं की एक्टिंग करके नाम कमा रहा है, तो कोई हिट होने के लिए बीवी से मार खा रहा है। इसी तरह से लोगों के घरों में काम करने वाली 22 साल की प्रीति मौर्य को भी रील्स बनाकर वायरल होने और पैसा कमाने का चस्का लगा था। उनके कुछ वीडियोस अच्छे खासे चल भी पड़े थे, लेकिन दो वीडियो इतने ज्यादा वायरल हो गए कि अब उन्हें काम से निकाला जा रहा है, पुलिस थाने के चक्कर तक लगाने पड़ रहे हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के रुद्रपुर की रहने वाली प्रीति मौर्य आजकल यूपी के नोएडा में रह रही है। वो बताती हैं कि होली पर उनके दो वीडियो वायरल हुए थे। एक में वो दिल्ली मेट्रो में होली खेलते हुए नजर आ रही हैं, तो दूसरे वीडियो में स्कूटी से गिरते हुए वीडियो शूट करवा रही हैं। प्रीति के मुताबिक इन दोनों ही वीडियोस की वजह से अब वो प्रॉब्लम में फंस गई हैं और लोग खूब भला बुरा सुना रहे हैं। पुलिस ने भी प्रीति मौर्य का भारी भरकम चालान काट दिया है। प्रीति मौर्य की रील्स देखकर लोगों को लगता होगा कि वो बहुत मौज मस्ती करती हैं और फेमस होने के लिए रील्स बनाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में आए हर शख्स की अपनी कहानी होती है। कुछ शौकिया तौर पर ये काम करते हैं तो कुछ मजबूरी में। प्रीति मौर्य का कहना है कि वो भी ऐसी ही कुछ मजबूरियों की वजह से रील्स बनाती हैं। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करते हुए प्रीति बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनके मम्मी पापा का हर रोज झगड़ा होता था। वो जब 2 साल की थी तभी दोनों अलग अलग हो गए। प्रीति मौर्य अपनी मम्मी के साथ ही रहती थी। कुछ वक्त बाद उनके मम्मी और पापा दोनों ने दूसरी शादियां कर ली। अब जरा सोचिए, एक 2 साल की मासूम बच्ची जो हर वक्त अपने माता पिता के साथ दूसरे इंसान को देख रही थी, क्या गुजरती होगी उस पर, कितनी कठिनाई में उस बच्ची का बचपन बीता होगा। प्रीति मौर्य कहती हैं कि मुझे माँ का प्यार तो हमेशा मिला, लेकिन पापा के प्यार को तरसती रही। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें हर वक्त अपने ही घर में गुलामी करनी पड़ती थी। उनकी माँ मजबूर थी, वो चाहकर भी अपनी बेटी की कोई मदद नहीं कर सकती थी। प्रीति कहती है कि मैं और माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर प्यार से नहीं चलता, लिहाजा 12 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें घर छोड़ना पड़ा। वो उत्तराखंड से हरियाणा आ गई और एक घर में रोजमर्रा के घरेलू काम करने लगी। प्रीति मौर्य उस महिला को दीदी बोलती थी जिसके घर में झाड़ू पोछा और तमाम छोटे मोटे काम करती थी। इसके बदले में पहले तो हर महीने 1500 रुपए मिलते थे, फिर दूसरे साल में दीदी ने पैसा बढ़ाकर 2000 रुपए हर महीने कर दिया। हालांकि इतने पैसे में गुजारा कहां होता था, लेकिन अनजान शहर में इधर उधर जाने से अच्छा था कि वो अपना वक्त वहीं काट ले। दीदी उसके नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाती रही। वक्त गुजरता गया, सैलरी भी बढ़कर 4000 हो गई। प्रीति कुछ पैसे अपनी माँ को भी भेजने लगी, लेकिन फिर भी घर पर पैसों की तंगी हमेशा रहती थी। दूसरों के घरों में काम करते करते प्रीति 19 साल की हो गई थी। उसकी दीदी हरियाणा से नोएडा शिफ्ट हुई तो प्रीति को भी अपने साथ ले आई। हालात सुधारने के लिए दीदी से इजाजत लेकर अब प्रीति कुछ और घरों में काम करने लगी। इससे वो 8 से 10 हजार रुपए हर महीने कमाने लगी। फिर भी पैसा कम पड़ जाता था क्योंकि बड़े शहर में खर्चे ज्यादा हैं। रहने और खाने में ही सारे पैसे खर्च हो जाते थे। माता पिता के गरीब होने की वजह से प्रीति कुछ पढ़ लिख नहीं पाई थी और इसी वजह से दूसरों के घरों में काम करने के अलावा उसे ना कुछ आता था और ना ही कोई अच्छी जॉब मिल सकती थी। घर की बड़ी बेटी होने की वजह से घर का सारा दारोमदार प्रीति पर आ चुका था। खुद अनपढ़ रही प्रीति अपने छोटे भाइयों को पढ़ाना चाहती थी
और यही सपना पूरा करने के लिए अब वो दूसरों के घरों में खाना भी बनाने लगी। इसके बावजूद गुजारा मुश्किल था। ऐसे में प्रीति को आइडिया आया कि क्यों ना अपना ही कुछ शुरू किया जाए और तय किया कि खाना बनाने के काम के साथ साथ क्यों ना रील्स बनानी शुरू कर दी जाए। अगर किस्मत ने साथ दिया तो सोशल मीडिया से भी कुछ कमाई हो जाएगी। बस इसके बाद जैसे ही काम से फुर्सत मिलती प्रीति मौर्य रील बनाने में लग जाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर स्टोरी में एक विलन जरूर होता है। इसी तरह प्रीति मौर्य के स्ट्रगल और रील्स बनाने के बीच में पड़ोसी विलन बनकर खड़े हो गए। वो कहती हैं कि जब भी मैं रील्स बनाती थी पड़ोसियों को दिक्कत होने लगती थी, वो मुझे ताने मारते थे। जहां पर भी प्रीति काम कर रही थी वहां उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई जाने लगी। कुछ ने तो उन्हें काम से भी निकाल दिया। प्रीति मौर्य बताती हैं कि लोगों का ऐसा अनैतिक बर्ताव देखकर वो खूब रोती थी। वो सोचती थी कि जब मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूं तो किसी को मेरे पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों दुनिया गरीबों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है? क्यों बड़े लोग गरीबों को अपनी जूती के नीचे रखना चाहते हैं? लेकिन कुछ वक्त परेशान रहने के बाद प्रीति ने खुद को मजबूत किया और फैसला किया कि अब कुछ भी हो जाए खुद का वीडियो बनाकर ही पैसे कमाऊंगी। प्रीति मौर्य को डांस करना पसंद था, इसलिए वो डांस वाली वीडियोस बनाने लगी। लेकिन सोशल मीडिया पर फेमस होना इतना भी आसान नहीं है। प्रीति मौर्य की सारी मेहनत बर्बाद जा रही थी, कोई वीडियो वायरल ही नहीं हो रहा था। एक दिन वो बिना सोचे समझे एक वीडियो में एक्ट के बाद सीढ़ियों से गिर पड़ी। ये वीडियो वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर तेजी से सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। प्रीति मौर्य ने उसके बाद इसी आइडिया पर काम किया और खुद को चोट देकर लगातार गिरने वाला वीडियोस बनाने लगी। हालांकि वो जानती थी कि हिट होने का ये रास्ता गलत है, लोग कॉपी करने की कोशिश में खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसी तरह के वीडियो से पहली बार प्रीति मौर्य को यूट्यूब से 80,000 रुपए मिले। वो बहुत खुश थी। लिहाजा घरों का काम छोड़कर अब प्रीति ने सिर्फ अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने पर फोकस करना शुरू कर दिया। वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का वीडियो डालूं जिससे हमेशा पैसा आता रहे। एक ही तरह का वीडियो बार बार पोस्ट करने से एक बार उनका यूट्यूब चैनल 3 महीने के लिए डीमोनेटाइज हो गया था। फिर से पैसों की तंगी होने लगी, जिसे दूर करने के लिए फिर से लोगों के घरों में काम करना पड़ा। पिछले दिनों प्रीति मौर्य ने होली के मौके पर मेट्रो में एक रील बनाई जो खूब वायरल हो गई। लेकिन इस रील ने मुश्किलें भी बढ़ा दी। पुलिस वालों ने थाने में बुलाया तो लोग फिर से उल्टी सीधी बातें करने लगे। यहाँ तक कहने लगे कि साफ सफाई करने वाली लड़की तेरी औकात ही क्या है। प्रीति मौर्य ने पूछा, इसमें औकात की क्या बात है? मैंने कौन सा गलत काम किया है? मैं जो भी कमा रही हूँ खुद को तकलीफ देकर कमा रही हूँ, तो इससे लोगों को क्या तकलीफ है? प्रीति मौर्य ने दावा किया कि कुछ लोग तो उनसे रील्स बनाने के लिए पैसे भी मांगते हैं। वो पहले नोएडा के मायावती पार्क में 1 साल तक रील्स बनाती रहीं, तो लोगों ने शिकायत करके पार्क में एंट्री तक बैन करवा दी। तब एक दोस्त ने हेल्प किया और वो दिल्ली में जनकपुरी के एक पार्क में वीडियो बनाने लगी। 5 महीने तक सब कुछ ठीक चला कि फिर गार्ड परेशान करने लगे और पार्क में वीडियो बनाने के लिए 3,000 रुपए की डिमांड करने लगे। प्रीति ने पैसा देने के लिए मना किया तो यहाँ भी एंट्री बंद हो गई। प्रीति मौर्य को इस बात का बेहद अफसोस है कि उनका बचपन नॉर्मल लड़कियों जैसा नहीं गुजरा। अगर घर परिवार का प्यार मिलता, माता पिता साथ देते, तो आज प्रीति भी किसी कंपनी में अच्छी खासी जॉब कर रही होती। समाज के लोग उन्हें हीन भावना से नहीं देख रहे होते। प्रीति मौर्य जिस तरह की सीढ़ियों से तेजी से गिरने का वीडियो बनाती हैं, तो बहुत से यूजर्स पूछते हैं कि चोट नहीं लगती है क्या? इस पर प्रीति कहती हैं कि लगती है भाई, मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट तो नहीं। मुझे जिंदगी के इतने दुख मिले हैं कि जब मैं गिरती हूँ तो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाती हूँ। प्रीति मौर्य के मुताबिक गिरने से बहुत चोट लगती है और शरीर में दर्द भी रहता है, इसके लिए हर दिन उन्हें पेन किलर्स खाने पड़ते हैं। सीढ़ियों से गिरते वक्त कई बार तो सिर में इतनी चोट लग जाती है कि हफ्ते भर तक बालों में कंघी कर पाना मुश्किल हो जाता है। बिना पेन किलर खाए एक दिन नहीं रहा जाता। लेकिन ये सारा दर्द वो अपने परिवार के लिए सह रही है। वो कहती है कि मुझे तो अच्छा बचपन मिला नहीं, कम से कम मेरे भाइयों को इज्जत भरी जिंदगी देना चाहती हूँ। जब भी घर वालों को अपनी कमाई देती हूँ तो सारे दुख दर्द कम लगने लगते हैं, और जब कभी रील्स बनाते वक्त गिर जाती हूँ तो लगता है बस अब ये जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है। तो फिलहाल के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।